हेलो दोस्तों, नमः शिवाय। आज मैं आपको कुछ प्राणायाम बताऊंगी जो कि बहुत ज़रूरी है। सुबह सुबह उठकर आपको ये करना स्वस्थ रहने के लिए, पूरे दिन स्वस्थ रहने के लिए बहुत ज़रूरी है ये प्राणायाम। कुछ प्राणायाम के बारे में बताऊंगी जो आपको हाइपरटेंशन, बीपी, शुगर, गॉल स्टोन, किडनी स्टोन और हाइपरटेंशन, न्यूरो, ये सब चीज़ के लिए बहुत ज़रूरी है। सबसे पहले मैं आपको बताऊंगी भस्त्रिका के लिए। भस्त्रिका में आपको क्या करना है, गहरा गहरा लंबा लंबा सांस लेते जाना है और छोड़ते जाना है, सांस लेते जाना है छोड़ते जाना है। और ये हाइपरटेंशन के लिए और शुगर के लिए बहुत ही अच्छा प्राणायाम है। इसका रिजल्ट काफ़ी अच्छा है, मैं अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से ही आपको बता रही हूँ। डीप ब्रीथिंग करना है, ऐसा आप दो से तीन मिनट तक कर सकते हैं। और दूसरा मैं आपको बताने जा रही हूँ कपाल भाती के बारे में। कपाल, कपाल का अर्थ होता है ललाट। ललाट पे हमेशा आपके चमक बना रहता है। कपाल भाती, कपाल भाती हमारे पेट से जुड़ा हुआ है। सारे रोगों का एक ही जड़ है, एक ही कारण है, पेट। अगर पेट हमारा सही रहेगा, स्वस्थ रहेगा, तो हम स्वस्थ रहेंगे। कपाल भाती प्राणायाम, किडनी स्टोन, गॉल स्टोन, हाइपरटेंशन, शुगर के लिए और इसके साथ साथ हीमोग्लोबिन बढ़ाने के लिए, स्त्रियों में, लेडीज़ों में आजकल पीरियड्स का प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा हो रहा है, इसको कंट्रोल करने के लिए ये बहुत ही अच्छा प्राणायाम है। इसके साथ साथ जिनके वज़न ज़्यादा है, वज़न को कम करने के लिए भी ये 100% क्योर कर देता है इस प्राणायाम को करने से। कपालभाति प्राणायाम, इसमें एक सेकंड में एक स्ट्रोक बनता है, 60 सेकंड में 60 बार बनेगा और 5 मिनट में आप कम से कम 300 बार आपका ये प्राणायाम कपालभाति 5 मिनट में 300 बार पूरा होता है। अब मैं आपको बताने जा रही हूँ तीसरा प्राणायाम, अनुलोम विलोम। अनुलोम विलोम में आपको क्या करना है, ऐसे अंगूठे से अपने नाक को इस तरह से दबाना है। दबाने के बाद बाएं नाक से पहले सांस गहरा भरना है, फिर दाएं से छोड़ना है। नीरो प्रॉब्लम के लिए ये, इसके साथ साथ बीपी के लिए, हाइपरटेंशन के लिए, टेंशन के लिए और सर्वाइकल के लिए बहुत ही अच्छा प्राणायाम है। बहुत बहुत बढ़िया प्राणायाम है ये। मेरुदंड बिल्कुल सीधा होना चाहिए, गहरे लंबे सांस अंदर भरना है, लंबे लंबे सांस छोड़ना है। लंबा लंबा सांस भरिए, लंबा लंबा सांस छोड़िए। इसी तरह ये कम से कम 5 से 10 मिनट तक आपको करना है। अब मैं आपको बताने जा रही हूँ ब्राह्मणी उर्दगीत के बारे में। पहले आपको ब्राह्मणी बता रही हूँ। ब्राह्मणी प्राणायाम, आजकल सभी टेंशन में रहते हैं, सभी के घर में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम रहता है। कोई किसी कारण से कोई बीमारी से टेंशन में आ जाता है, कोई अपने अकेलेपन से टेंशन में आ जाता है, कोई अपने पारिवारिक मैटर की वजह से टेंशन में आ जाता है। किसी न किसी कारण से आज के डेट में हर कोई तनाव से ग्रसित रहता है। इस तनाव को दूर करने के लिए मैं आपको ब्राह्मणी उर्दगीत प्राणायाम बताने जा रही हूँ। पहले आपको ब्राह्मणी के बारे में बता रही हूँ। एक अंगूठे से अपने कान को ऐसे बंद करना है, एक उंगली माथे पर, बाकी शेष 3 उंगली आँख पर रहेगा और सांस गहरा भरना है, भर के ओम का उच्चारण करना है। इस ब्राह्मणी प्राणायाम को आप 5 बार 7 बार 10 बार कर सकते हैं। इसको करने से बहुत जल्दी रिलीफ मिलता है टेंशन में, हाइपरटेंशन में,
न्यूरो प्रॉब्लम में, माइग्रेन में, माइग्रेन के लिए तो अचूक प्राणायाम है ये। अब आपको मैं उर्दगीत के बारे में बता रही हूँ। गहरा लंबा सांस भरते हुए ओम का उच्चारण करना है। इस तरह से आपको आज मैंने ये पांच प्राणायाम बताए हैं जो कि बहुत जरूरी है करना। थैंक यू दोस्तों, फिर मिलेंगे। वॉचिंग फॉर दिस वीडियो, थैंक यू।